आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लैब, सच के साथ सच की बात। पटना से एनटीएल की रिपोर्ट। यही नीतीश जी ने नरेंद्र मोदी के आगे से प्लेट छीन लिया। ये लोग कितने बेशरम है कि फिर जा रहे हैं वहाँ खाने के लिए। इसी से समझ में आ जाती है बात कि ये भाजपा के लोग कितने घिरे हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग सत्ता के लिए जाकर के वहाँ पीडीपी से समर्थन लेकर के और सरकार बनाने का कश्मीर में किए। जो कभी आज तक नहीं है वो पाकिस्तानी झंडा लड़ा रही थी पार्टी उसके साथ ये किए। जहाँ जहाँ इनको जनादेश नहीं मिला वहाँ जाकर के तोड़ मोड़ करके जनादेश का अपमान करके सरकारें बनते हैं। इन लोगों को देश से कोई मतलब नहीं है, संविधान से कोई मतलब नहीं है, इंसानियत से कोई मतलब नहीं है। ये लोग हर हाल में सत्ता चाहते हैं। अगर इन लोगों में थोड़ी भी लज्जा होगी, थोड़ी भी शर्म होगी, तो जनता ने, बिहार की जनता ने उनको मैंडेट दिया था विपक्ष में बैठने के लिए, चोर दरवाजे सत्ता में बैठने के लिए नहीं। तो ये जा रहे हैं डीसी प्लेट खींचेंगे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो का मामला है अंदर में क्या होगा नहीं होगा, सबल होगा, चार सीट मिलेगा कि पांच सीट मिलेगा, डीसी के पास क्या उपाय क्या है, कहाँ जाए उपाय नहीं है, जाके पैर पकड़ेंगे नहीं, इसका हल नहीं है।